नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव। बिहार में बाढ़ का कहर चारों तरफ देखने को मिल रहा है। विधानसभा में एक तरफ जहां महागठबंधन के नेता जो सत्ता पक्ष में हैं उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं जाप के संरक्षक पप्पू यादव जो पूर्व सांसद हैं वो जगह जगह हर जिलों में जाकर बाढ़ क्षेत्रों का मुआयना कर रहे हैं और देख रहे हैं। उन्होंने देखा कि कहीं पे खाने का व्यवस्था नहीं है तो कहीं पे मतलब कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से, उन्होंने सरकार को घेरने का कोशिश किया। आइए पप्पू यादव ने क्या कहा, आप उसे सुने। 18 जिले में लगभग 8 जिला कंप्लीट रूप से, 2-1 ब्लॉक को छोड़ के, 3 ब्लॉक को छोड़ के पूरा का जिला प्रभावित है। पूरा जिला कंप्लीट रूप से बर्बाद हो चुका है और 18 जिला लगभग इस बार सबसे ज्यादा क्षतिपूर्ति है। जानवर क्षतिपूर्ति 40,000, लगान को किसी कीमत पर फ्री किया जाए, मुक्त किया जाए बिहार से, लगान नहीं लगनी चाहिए, ये डिमांड है जन अधिकार पार्टी की। इस पर हमारी लड़ाई जारी होगी और अंतिम 20 क्विंटल अनाज और 25,000 रुपया 3 महीने के लिए एक परिवार को आप अभिलंब आप मुहैया कराइए और पूरी इंक्वायरी कराइए कि आखिर बार क्यों आती है और ये जिम्मेदारी तय कीजिए कि आगे से बार नहीं आएगी, बांधे नहीं टूटेगी। हर बार आप कहते हैं बांध पक्की है और हर बार चक होता है, एंटीरोजन काम चलता है। 5,35,000 करोड़ रुपया नदियों पर, बांध पर, अस्पर पर खर्च हुआ। 5,35,000 करोड़ रुपया ये खर्च कहाँ गया, एक। और उसके बाद फ्लड फाइटिंग के नाम पर आप हजारों करोड़ कमाते हैं, राहत के नाम पर आप हजारों करोड़ कमाते हैं, यह क्यों? यह सवाल बिहार की जनता जानना चाहती है और जन अधिकार पार्टी भी जानना चाहती है कि आप लोगों के कारण आदमी को नियति के भरोसे और उसके किस्मत के भरोसे मरना पर मजबूर क्यों करते हैं, सरकार को नासूर क्यों बना दिए। एंटीरोजन के नाम पर 5,35,000 करोड़ रुपया, नदी को आप नासूर बना दिए, आप नदी का गाल ऊंचा हो गया और किसी बांध पर जिस बांध की उम्र 30 साल पहले खत्म हो गई, झंझारपुर का दोनों बांध जो टूटा वो 30 साल पहले खत्म हो गई, 8 जगह टूटा। दरभंगा में जो पानी आया पुपड़ी का बांध अगले बार भी टूटा था और इस बार भी पुपड़ी का बांध तोड़ दिया आपने और पुपड़ी के बांध पर आप मनरेगा का पैसा आप लगा रहे हैं, बांध पर मनरेगा का पैसा लगाइएगा। और जो बांध 5 साल पहले लगभग कंप्लीट रूप से डिमोलिश हो गया है और उसके नाम पर आप 20 सालों से करोड़ों रुपया कमा रहे हैं और बांध का पक्कीकरण नहीं हुआ, तो आदमी पर आप ये डिजास्टर कौन है? डिजास्टर भगवान है कि डिजास्टर देता है? ये मानवीय आपदा है कि प्राकृतिक आपदा है? और क्या अब चूंकि आप सबकी मिली भगत है, पदाधिकारी कंपनी और नेता तीनों के मैच फिक्सिंग के चलते, ज्वाइंट एडवेंचर के चलते तीनों का पैसा इसमें है, इसलिए आज तक आपने कोई कार्रवाई नहीं किया। और सबसे ज्यादा पैसा इसमें एक्सिक्यूटिव चीफ इंजीनियर ठेकेदार कंपनी डीएम और नेता को जाता है, इसलिए नेता आज तक कभी इस पर बोलते नहीं है। तो आपने सुना पप्पू यादव ने क्या कहा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरें से आप रूबरू हो सकें।